सी मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक मैंने चूँकि पढ़ाई की एक्टिंग के ऊपर ट्रेनिंग ली है हमने तो मुझे भरत मुनि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था उससे अच्छी डेफिनेशन इन टूल्स के एक्टिंग के टूल्स के बारे में आज तक नहीं लगी मैंने स्टेनसलस की भी पढ़ा माइकल चेखव एंटोन चेखव ये वो सब सब सारे जो और बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनके जो जिन्होंने थ्योरी दी है एक्टिंग के ऊपर एक्टिंग के टूल्स के ऊपर सबसे बेस्ट मुझे जो लगी वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लगी उन्होंने कहा है कि एक्टिंग के चार टूल होते हैं जिसमें आंगिक वाचिक सात्विक और आहारी आहार्य मीन्स मेकअप कॉस्ट्यूम वाचिक डायलॉग्स सात्विक इंटरनलाइजेशन करना किसी भी कैरेक्टर का और आंगिक वाचिक सात्विक आहार्य और आंगिक मतलब जेस्टर पोस्चर्स तो आई थिंक इससे अच्छी डेफिनेशन पूरे वर्ल्ड में नहीं होगी एक्टिंग की एक्टिंग के टूल्स की तो चूंकि हमारी ट्रेडिशन रहा है आई थिंक हमारा कम से कम कोई तीन चार हजार साल पुराना ट्रेडिशन रहा है एक्टिंग करने का और जितनी बारीकी से जितनी डिटेल्स में भरत मुनि ने एक्टिंग को एक्सप्लेन किया है आई थिंक वर्ल्ड में अब तक किसी भी राइटर ने नहीं किया होगा एक्टिंग टीचर ने नहीं किया होगा इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन अबाउट एक्टिंग अगर उनकी आप बुक्स पढ़ें तो इतनी डिटेल्ड एक्टिंग है एक, एक्टिंग के बारे में इतना डिटेल्ड बताया उन्होंने और इतनी अच्छी अच्छी डेफिनेशनस हैं पूरा मतलब पूरा मैथड एक्टिंग का भी बाप है वो अगर देखा जाए तो भरत मुनिका नाट्य शास्त्र हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उस वक्त जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे उस वक्त पढ़ा था हमने वो तो हमें बहुत हेल्प मिली थी एक्टिंग के ऊपर जैसे जैसे चार टूल्स बताए उसमें से जैसे वाचिक है अगर वाचिक नहीं है तो उसके बिना भी एक्टिंग हो सकती है फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फिल्म की थी उसमें डायलॉग्स ही नहीं थे किसी के भी डायलॉग्स तब जरूरत पड़ती है जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने 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 आई से अपने अपने जेस्चर पोस्चर से तब उसकी जरूरत पड़ती है डायलॉग्स की आई थिंक जैसे डिनेरो का भी कहना है कि अगर कोई एक चीज़ आप कन्वे कर रहे हैं अपने आईबॉल शिफ्ट करके या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से कन्वे कर रहे हैं तो जरूरी नहीं उसके लिए डायलॉग बोला जाए तो डायलॉग तभी बोल, बोलना चाहिए जब आपके ये सारे टूल्स जो है ना फेलियर हो जाए मतलब आप इनसे इनके इनसे काम नहीं चला तब डायलॉग आता है डायलॉग सिर्फ बोलने के लिए वर्बोस करने के लिए डायलॉग्स लिखे जाएं तो वो बहुत ही अननेसेसरी लगता है बाईपास में हमारे हमारे जो डायरेक्टर ने जो सीनेरियो क्रिएट किया था कि उसमें पूरी पिक्चर में सेवनटीन मिनट की फिल्म थी और बहुत अच्छी फिल्म थी उसमें कोई डायलॉग नहीं था और लेकिन एक दूसरे दूसरे से कन्वे करने के लिए ये भी नहीं कि हम माइम करें कुछ ये भी नहीं था अगर सामने एक्टर खड़ा है मेरा और मुझे, मुझे उसको बोलना है कि चलना है हमें तो ये नहीं ये भी जेस्चर नहीं कर ये माइम हो जाता है तो लेकिन आइज में आपके होना चाहिए कि एक पोस्चर एक जेस्चर होना चाहिए कि अब लगे कि सामने वाले को कि ये अब चलना चाहता है तो ये कन्वे हो जाता है थोड़ा सा इस पर गौर करने की ज़रूरत है फोकस करने की ज़रूरत है तो उसमें पूरी पिक्चर में कहीं से भी कोई भी ऐसा नहीं है डायलॉग डायलॉग नहीं है ना कोई ऐसा मिमिक्री वाला एक्शन माइम करने वाला एक्शन है कि हम मैं जाना चाहता हूँ अभी अगर मैं जाना चाहता हूँ तो लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे टर्न किया और सामने वाले को एहसास हो गया कि अब ये कह रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मिमिक्री भी नहीं करना डायलॉग्स भी नहीं मिमिक्री भी नहीं माइम भी नहीं करना सॉरी माइम भी नहीं करना तो डिफ़िकल्ट था वो टास्क हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि जहाँ पे एक दूसरे को कन्वे भी करना है और माइम भी नहीं करना डायलॉग्स भी नहीं बोलना तो बिना इसके भी कन्वे बिना इसके भी एक्टिंग हो सकती है बिना डायलॉग्स की भी एक्टिंग हो सकती है ऐसी बात नहीं